प्रेज द लॉर्ड जीसस, जय यीशु मसीह। मैं राजा वाल्टर जॉर्नाबाद से आप सबका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पुत्र, आप सबकी खिदमत में यीशु मसीह के पाक और बाबरकत नाम में सलाम पेश करता हूँ। आप सब लोग अपने अपने घरों खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ये मेरा क्रिसमस ट्री है। आप सब लोग भी अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाएं, अपने बच्चों को एक एक्टिविटी दें कि अपना अपना क्रिसमस ट्री सजाएं। तीन चार जजेस जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जब आप लोग अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे उसकी तस्वीर खींच के वीडियो में कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, और जिसका क्रिसमस ट्री जजेस, और आपने भी फैसला करना, आप देखने वाले भी जजेस होंगे, तो जो क्रिसमस ट्री फाइनल होगा, जो पहले नंबर पे होगा, उसको 10,000 कैश, 10,000 रुपया जो है ना इनाम में मिलेगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आप इस नाम को बढ़ाने के लिए कम से कम गैस कैश भी कर सकते हैं, 50 रुपये कर दें, 10,050 रुपये हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10,100 रुपये हो जाएगा, 10,200, 10,300। इस इनाम के रकम को बढ़ाने के लिए गैस कैश पर आप कम से कम रकम अपनी भेज सकते हैं। जय यीशु की, हालेलुया। मैं आप सबकी सलामती हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहानाबाद में, और यहानाबाद में एक नहायत मशहूर एक शॉप है, बर्गर शॉप VIP फूड्स के नाम से। और मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ एक खास मकसद के लिए, जो कि नेशनल न्यूज़नामा को पता चला, और नेशनल न्यूज़नामा ने यहाँ पे आके इस बात को आप तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश की है। तो यहाँ पे एक लगा है, एक बैनर लगा है, अपना क्रिसमस ट्री सजाएं और इनाम पाएं। तो ये एक जबरदस्त जो बात है इस क्रिसमस के मौका पर, जो कि राजा वाल्टर साहब ने इसको जो है वो बनाया है, और वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तौर से जो अपनी खुशियां हैं उनको दूसरों के साथ भी बांट सके। तो राजा साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि एक तो आपने ये सर प्लान बनाया, और हमें हमारे नाज़रीन को ये जरा बताएं कि अपना क्रिसमस ट्री सजाएं और इनाम पाएं, ये बेसिकली है क्या? सर देखिए, ये खास महीना जो दिसंबर का, इसमें हम सब लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से मैं देख रहा हूँ कि दुकानों पर जो जो सामान है वो काफ़ी कम होना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि लोग क्रिसमस ट्रीज की और क्रिसमस की डेकोरेशन के सामान की खरीदारी वो कम करना शुरू कर दिया। ये हमारा कल्चर है, क्रिसमस ट्री हो और किसी को पता ना हो कि ये क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ इस क्रिसमस ट्री को, इस रवायत को बरकरार रखने के लिए और तेज करने के लिए इनाम रखा गया है कि अपने ट्री को सजाएं, अपने जो ट्री की तस्वीर है वो कैप्शन में बहुत तस्वीर लगाएं, उसमें कमेंट्स में तस्वीर लगाएं, और एंड में जजेस उसकी वो जज करेंगे, और इसकी पोलिंग भी फेसबुक पे करवाएंगे, और जो इनाम जो पहले नंबर पर जो ट्री आएगा उसको 10,000 रुपये कैश देंगे, और जो VIP फूड की तरफ से जो रखा गया 10,000 कैश जो है उसमें मैंने फेसबुक पे थोड़ा ये भी बोला था कि अगर आप लोगों को ये पसंद आई है, ये एक्टिविटी पसंद आई है, तो कम से कम 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये अपना जैस कैश जो है ना वो मेरे नंबर पे करें इस इनाम की रकम को बढ़ाने के लिए। और अभी तक कोई 4,000 जो है वो 10,000 से ऊपर मुझे आ चुका हुआ है, और 20 तारीख तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 20-25-30,000 तक ये इनाम जो है ना वो चला जाएगा। राजा साहब, यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा और नाज़रीन को भी ये बात बताना चाहूँगा, अगर आप देखें क्रिसमस ट्री की जो रवायत है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा क्रिसमस ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, और साथ ही साथ एक तो आपका क्रिसमस ट्री जो है वो खूबसूरत लगे, और दूसरा आप इनाम की एक बड़ी रकम जो है वो भी हासिल कर सके, तो ये मुझे आपका इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त लगा। और जैसे लोग मतलब गैस कैश के जरिए से आपको कोई 50 रुपीज़ सेंड कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, तो ये बड़ी जबरदस्त एक बात है। तो जी राजा साहब, आप क्या चाहते हैं कि ये जो 4,000 रुपये अभी तक आपके पास जमा हो चुका है, तो इनाम की रकम रखी है आपने 10,000, और लोगों तक आपके पैगाम जो है वो जा रहा है, और नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफॉर्म से भी ये पैगाम जो है वो एक तो पूरे पाकिस्तान में जाएगा, तो समझ लेते ये पूरी दुनिया देखेगी, ये हो सकता है बाहर के मुल्क से भी लोग जो है वो अपने क्रिसमस ट्री की पिक्चर जो है वो आपको सेंड करें, और आपको 50 रुपये का गैस कैश करें या 100 का करें, और ये इनाम की रकम जो है वो भर जाए।
तो आपने भी कहा कि 4000 रुपए जमा हुए। आप क्या सोचते हैं कि हमारे नाज़रीन को अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इनाम की रकम को कहां तक लेके जाना चाहिए? सर अगर बात क्रिसमस की ले तो देखिए ये आसान लोगों में ये ईद है जो हर फिरका हर मुल्क हर मजहब मनाता है। तो अगर मेरे चाहने की बात है तो मैं तो कहूँगा कि कम अज़ कम जो है कम अज़ कम ये क्रिसमस ट्री जो विन करेगा जो प्राइज विन करेगा उसको कम अज कम 1 लाख रुपए जरूर जाए। क्या तो लेकिन फिर भी देखिए मुझे ये दिल में शौक आया ना तो इधर वीआईपी फूड पॉइंट से एक रकम निकली है 10,000 की। तो मैं अपने पे बात लेता हूँ अगर मुझे ये लंगर और ये कब्र साहब भी आजकल काम कर रहा हूँ अगर ये एक्टिविटी ना होती तो मैं भी हो सकता है इसको 50,000 से शुरू करता अगर मेरे दिल की बात ले तो। तो नाज़रीन अभी आपने राजा साहब की बातें सुनी है कि वाकई ही जो क्रिसमस है वो कोई छोटा इवेंट तो है नहीं है, ये सरवरे कायनात यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी है। हालेलुया। और आप क्या चाहते हैं कि जो इनाम की रकम है क्या वो सिर्फ 10,000 तक ही मुख्तस रहे? अगर आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी को हम एक तो क्रिसमस ट्री से जाकर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अपने घरों में और साथ ही साथ यहाँ पे आपने सांता भी रखा हुआ है तो आप इस रकम को बढ़ा सकते हैं अपने जैस कैश के जरिए से। और आपकी छोटी सी जो एफर्ट है आपकी छोटी सी जो अमाउंट है वहाँ वो 50 है वहाँ वो 100 रुपये है लेकिन यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी को जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो तोहफे के तौर पर हम दे सकते हैं। तो राजा साहब हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि इनाम की रकम बेशक वीआईपी फूड पॉइंट ने जो है वो 10,000 रखी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 1 लाख तक जाए 10 लाख तक जाए क्योंकि यीशु मसीह से बढ़कर कोई चीज नहीं है। 10,000 रुपये तो एक बड़ी छोटी सी रकम है। तो नाज़रीन आपसे ये गुजारिश है कि आप ज़रूर राजा साहब के नंबर पर अपने जो छोटे छोटे जो हदिया जाते हैं वो ज़रूर शेयर करें। राजा साहब क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ और आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि मैं अपने फ़ोन से अपने जैस कैश से जो है वो इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालूँ। ठीक है तो बहुत शुक्रिया सर आपका। और नाज़रीन आप ज़रूर क्रिसमस ट्री सजाएं।